हेलो स्टूडेंट्स, तो आज 29 जुलाई को विल डू आवर फर्स्ट चैप्टर एक्सरसाइज व्हेन आई वाज अ चाइल्ड। सेक्शन नंबर वन हमने पढ़ लिया था थ्रू अ कलर्ड ग्लास। ऐसे क्वेश्चन आंसर जो है वो तो नहीं है इसमें, बट वी हैव प्रूफ ऑफ एंड सम फिल इन द ब्लैंक एक्सरसाइज। तो देखते हैं, लेट स्टूडेंट फाइंड फैक्ट्स में इसके मीनिंग्स जो है मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है, आप शॉर्ट आउट कर लेना उससे। यस, चलिए देखते हैं ट्रू फॉल्स। लक्ष्मण नोटिस हिज सराउंडिंग फॉर द फर्स्ट टाइम व्हेन ही लुक्ड एट थिंग्स थ्रू द बिट्स ऑफ कलर्ड ग्लास। लक्ष्मण ने पहली बार अपनी सराउंडिंग को नोटिस किया, ठीक है, जब उसने उन बिट्स ऑफ कलर्ड ग्लास के थ्रू देखा। तो राइट है, उससे पहले उसने नोटिस नहीं किया था। थिंग्स लुक्ड चेयरफुल एंड नॉर्मल व्हेन ही यूज्ड द रेड पीस ऑफ ग्लास। चीजें आनंददायी और सामान्य नजर आए थे जब उसने रेड पीस देख रही थी। तो असलियत में ऐसा कब लग रहा था उसको, जब वो ग्रीन पीस से देख रहा था। रेड पीस से तो उसे काफी डरावना लग रहा था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स। बिकॉज द वर्ल्ड, नेक्स्ट थर्ड है, बिकॉज द वर्ल्ड अराउंड हिम लुक्ड स्ट्रेंज थ्रू द ब्रोकन ग्लास पीसेस द फर्स्ट टाइम ही इमीडिएटली स्टॉप्ड यूजिंग देम। जब उसने चारों तरफ देखा अपने इस संसार को उन ब्रोकन ग्लासेस थ्रू, तो तत्काल उसने मतलब उनसे देखना छोड़ दिया, यूज़ करना छोड़ दिया। तो ये गलत है, उसने तो चेंज करके देखा उसने अलग अलग कलर्ड ग्लास के थ्रू। व्हेन ही फर्स्ट बिगन ड्राइंग, जब उसने पहली बार ड्राइंग करना शुरू किया, लक्ष्मण यूज ब्रश एंड पेंट एंड इंक। लक्ष्मण ने ब्रश, पेंट और इंक का यूज़ किया था? नहीं, बहुत बार के ट्रायल एंड एरर्स के बाद में ही वो ब्रश, पेंट और इंक का यूज़ करना उसने शुरू किया, इसलिए क्या हो जाएगा, फॉल्स। एज ए स्टूडेंट ही परफॉर्म्ड वेल इन ऑल सब्जेक्ट। स्टूडेंट के रूप में उन्होंने मतलब बहुत अच्छा परफॉर्म किया, तो गलत है। ही वॉज नॉट गुड इन स्कूल टाइम, दैट इज स्कूल टाइम। नेक्स्ट है, द पीपल लीव दैट ही ड्रू इन क्लास वॉज प्रूफ दैट ही हैड अ कीन आई। जो पीपल उन्होंने बनाई थी क्लास में वो ये प्रूफ था कि उनकी जो आँखें वो काफ़ी पारखी आँखें हैं, तो ये सही है, ट्रू। बिकॉज द, क्योंकि वो सेम बनाई थी उन्होंने। सेवन थे, बिकॉज द कार्टून इन द फॉरेन मैगजीन मेड एन इम्प्रेशन ऑन हिम, लक्ष्मण बिगन टू ड्रॉ कार्टून। हाँ, ये जो है ये राइट है, ट्रू है। क्यों? क्योंकि मतलब जो फॉरेन मैगजीन का इम्प्रेशन उनके ऊपर था, ठीक है, कार्टून्स का, इसलिए उन्होंने कार्टून बनाना शुरू किया था। हमने ये पढ़ा था, ठीक है, चैप्टर में, क्योंकि कार्टून जो है स्पेशल अट्रैक्शन होते हैं। एट थे, लक्ष्मण फाउंड इट डिफिकल्ट टू रजिस्टर हिज ब्रदर्स नारायण स्टोरीज बिकॉज ही हैड नो आइडिया हु द कैरेक्टर इन द स्टोरी वर बेस्ड ऑन। लक्ष्मण को ये मुश्किल हुई थी इलस्ट्रेट करने में कि जो नारायण यानी उनके भाई जो थे, ठीक है, उनके भाई की स्टोरीज में अपने कार्टून्स को बनाने में, क्योंकि उन्हें कोई आइडिया नहीं था कि किस प्रकार कैरेक्टर उनकी कहानी में थे। असलियत ये थी, इसलिए फॉल्स होगा। असलियत ये थी कि मतलब उन्हें मालूम था, उनके लिए बहुत ही आसान था उनके भाई की स्टोरीज में कार्टून को इलस्ट्रेट करना, क्योंकि उनको मालूम था कि वो क्या सोच रहे हैं और चाहते क्या हैं, ठीक है, फेमिलियर थे उनके कैरेक्टर से। कुछ पॉइंट नाइन है, व्हेन लक्ष्मण अप्लाइड टू द टाइम्स ऑफ इंडिया फॉर अ जॉब एज अ कार्टूनिस्ट दे फाउंड हिम दैट ही वाज टू यंग टू बी अ न्यूज़पेपर कार्टूनिस्ट। जब लक्ष्मण जी ने मतलब अप्लाई किया टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए तो कार्टूनिस्ट के रूप में, तो उन्होंने उनसे कहा कि आप बहुत छोटे थे, ठीक है, न्यूज़पेपर कार्टूनिस्ट के लिए। पर ये राइट नहीं है, फॉल्स होगा, क्योंकि उन्होंने द हिंदुस्तान टाइम्स के लिए जब अप्लाई किया था तो द हिंदुस्तान टाइम्स ने कहा था कि वो छोटे हैं, जबकि द टाइम्स ऑफ इंडिया में तो एक ऐसा न्यूज़पेपर है जिन्होंने उनको ख्याति दिलाई, नोटेबल मतलब कार्टूनिस्ट वो बने वहाँ पर जाके, तो ये फॉल्स हो जाएगा। लास्ट है, लक्ष्मण चाइल्डहुड एक्सपीरियंस ऑफ सीइंग हिज सराउंडिंग थ्रू पीसेस ऑफ कलर ग्लास टॉट हिम एन इम्पोर्टेंट लेसन। लक्ष्मण का जो बचपन था, उस बचपन का जो एक्सपीरियंस था कि जिसमें उन्होंने कलर ग्लासेस के थ्रू अपने आसपास के एरिया को देखा था, उस इंसिडेंट ने उन्हें एक इम्पोर्टेंट लेसन दिया। क्या लेसन था वो? यू कैन लुक एट लाइफ इन डिफरेंट वे, कि आप अपने लाइफ को अलग अलग तरीके से देख सकते हैं, ठीक है। इफ़ यू वॉन्ट टू सी दैट योर लाइफ इज हैप्पी लाइफ, तो आपको वो लाइफ ऐसी नजर आएगी। अगर आप देखते हैं कि नहीं आपकी लाइफ अच्छी नहीं है, तो आपको जैसा नजरिया वैसा आपका मतलब जीवन होता जाएगा। लेट्स टॉक, आपको एक नेक्स्ट सेक्शन दिया हुआ है जिसमें आपको बात करनी है, ठीक है, पेयर बनाइए, पेयर वर्क कीजिए आप। इमेजिन लक्ष्मण वॉज द वन हु ब्रोक द ग्लास पेन। इमेजिन कीजिए कि लक्ष्मण वो थे जिन्होंने ग्लास को तोड़ा था, एंड हिज मदर टॉक टू हिम अबाउट इट, और उसकी माता जी जो है उनसे बात कर, उन्होंने उनसे बात की। वॉट डिड दे से टू ईच अदर,
देखते हैं कि उन्होंने एक दूसरे से क्या कहा। मदर क्या कहती है, डिड यू ब्रेक द ग्लास पेन लक्ष्मण, क्या तुमने ग्लास पेन तोड़ा लक्ष्मण? तो लक्ष्मण जी, लक्ष्मण कहते हैं यस आई डिड, जो कि मैंने आपको पहले बताया कि व्हेन द क्वेश्चन स्टार्ट फ्रॉम हेल्पिंग वर्ब वी आंसर्ड इट बाय सेइंग यस और नो। तो उन्होंने कहा यस आई डिड, मैंने किया, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ करना मदर। मदर कहती दैट्स ऑल राइट, कोई बात नहीं, इट वाजंट रियली योर फॉल्ट, ये वास्तव में तुम्हारा फॉल्ट नहीं था, सो चीयर अप, तो खुश रहो। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि हाउ टू से सॉरी व्हेन वी वांट टू अपोलोजाइज, जब हम किसी से अपोलोजाइज करना चाहते हैं मिस्टेक के बारे में, तो हम कहते हैं माफ़ करिए, आई एम वेरी सॉरी या आई एम सो सॉरी। ठीक है, एक बार जब गलती होती है सॉरी, दूसरी बार गलती करो तो आई एम वेरी सॉरी, और ज़्यादा बड़ी गलती हो जाए तो आई एम सो सॉरी, ये सॉरी कहने के तरीके हैं। वी यूजली रिस्पॉन्ड टू एन अपोलॉजी बाय सेइंग, अब कोई अगर आपसे अपोलॉजी मतलब मांग रहा है तो उसके लिए आप क्या बोलते हैं, दैट्स ऑल राइट, कोई बात नहीं, इट डजेंट मैटर, नेवर माइंड, डोंट वरी। ठीक है, इस प्रकार से आप उसे अपोलॉजी का मतलब रिस्पॉन्स कर सकते हो, रिस्पॉन्ड कर सकते हो। डिड यू नोटिस इन द इमेजिनरी कन्वर्सेशन अबाउट दैट लक्ष्मण्स मदर चीयर हिम अप व्हेन ही लुक्स अपसेट, आपने देखा इस इमेजिनरी कन्वर्सेशन में मतलब बातचीत में लक्ष्मण की माँ ने उनसे कहा कि मतलब वो चीयर करें, खुश रहें, जब उन्होंने देखा कि वो क्या है, दुखी हैं। तो फॉर्म अप पेयर विद क्लासमेट, क्लासमेट के साथ पेयर बनाइए, पेयर मतलब जोड़ा बनाइए और रिस्पॉन्ड कीजिए। ठीक है, कि क्या आप कह सकते हैं, जैसे कि एग्जांपल है, आई एम टेरेबली सॉरी फॉर ब्रेकिंग यूर कप, मुझे माफ़ करना आपका ग्लास तोड़ने के लिए या कप तोड़ने के लिए, सॉरी। तो आपका क्या रिस्पॉन्ड होगा, डोंट वरी, चिंता मत करो, इट वाजंट एन एक्सपेंसिव कप, ये इतना महंगा कप नहीं था। अब दूसरे में आपको इसको कंप्लीट करना है, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ करना, आई हैव लॉस्ट द पेन यू लेंट मी, मैंने वो पेन खो दिया जो आपने मुझे दिया था। तो आपका जवाब क्या हो सकता है, डोंट वरी, इट वाज नॉट एन एक्सपेंसिव वन, वो एक्सपेंसिव वन नहीं था। ठीक है, या इसके अलावा भी आप लिख सकते हो। ठीक, टू है, आई हैव ब्रोकन द मिरर, मैं कांच जो है तोड़ चुका हूँ, तो दैट्स ऑल राइट, इट हैपन समटाइम, ऐसा होता है कई बार। ठीक है, सॉरी आई कुड नॉट कम टू योर पार्टी लास्ट इवनिंग, मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हारी रात में कल शाम की पार्टी में नहीं आ सका, तो नेवर माइंड, इट वॉज नॉट अ बिग डील, ये इतनी बड़ी बात भी नहीं थी। हाउ यू स्टेप्ड ऑन माई फुट, तुम मेरे पाँव पर चढ़ गए, इसका क्या बोल सकते हो, आई एम सो सॉरी आई कुड नॉट सी योर फुट, मैं तुम्हारा पाँव नहीं देख सका। यू आर लेट, आई टोल्ड यू टू बी ऑन टाइम, तुम लेट हो, मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूँ कि समय पे आओ, तो आपका क्या हो सकता है, आई एम वेरी सॉरी, नेक्स्ट टाइम आई विल बी ऑन टाइम। ठीक है, डोंट वॉन्ट टू गिव एनी एक्सक्यूज दिस टाइप ऑफ सिचुएशन, कभी भी मतलब ऐसी सिचुएशन में एक्सक्यूज देने की कोशिश मत कीजिए। ये बताइए कि आप कितने अटेंटिव हैं, या मतलब इंटेंशन है, इंटेंशनली आप कितने स्ट्रॉन्ग हैं, कि क्या चाहते हैं आगे। नेक्स्ट आपको जो सेक्शन दिया गया है वो सेल्फ असेसमेंट का है, आपको कुछ क्वेश्चन दिए हैं और आपको मदर और फादर से मतलब उनसे उनके आंसर जो है लेने हैं, जैसे कि वेयर वर यू बॉर्न, तो आपके पिता और माता जी, उनसे आप पूछिए कि उनका जन्म कहाँ हुआ है। ठीक है, वो जवाब देंगे, उन सिटीज़ के नाम आपको लिखना है। ठीक है, आप अपने टीचर से पूछ सकते हैं, उनका जवाब भी आप यहाँ पर लिखिएगा। वर यू बॉर्न एट होम और इन हॉस्पिटल, क्या आपका जन्म मतलब घर पर हुआ था या हॉस्पिटल में, तो उनका जवाब अलग अलग हो सकता है। ठीक है, वो आप यहाँ लिखिएगा, फिलअप कीजिएगा। नेक्स्ट है, विच रिलेटिव वर यू मोस्ट फाउंड ऑफ व्हेन यू आर स्मॉल, आप जब छोटे थे तो आपको मतलब कौन से रिश्तेदार सबसे ज़्यादा पसंद थे, तो उनके जवाब भी आपको माता पिता और टीचर से अलग अलग आ सकते हैं। नेक्स्ट है, डू यू रिमेंबर द नेम ऑफ यूर बेस्ट फ्रेंड व्हेन यू आर 5 or 6 ईयर ओल्ड, क्या आप आपकी क्या आपको याद है आपके उस बेस्ट फ्रेंड का नाम जब आप 5 या 6 साल के थे, तो तीनों के जवाब अलग अलग आएंगे। व्हाट डिड यू होप टू बिकम व्हेन यू ग्रू अप, What did you hope to become when you grew up? जब आप बड़े हुए तो आपकी क्या बनने की इच्छा थी, ठीक है, आपका गोल क्या था। और नेक्स्ट टू क्वेश्चन आप यू कैन मेड बाई योर सेल्फ, जैसे डू यू लाइक स्टडी इन योर चाइल्ड हुड, क्या आपको अपने बचपन में मतलब स्टडी करना पसंद था, तो अप्रोप्रिएट आंसर आपका आ जाएगा। नेक्स्ट है, वाट इज़ योर फेवरेट गेम इन यूर, सॉरी ये वाट वॉज आएगा यहाँ पर, सॉरी ये बाय मिस्टेक है, वॉट वॉज योर फेवरेट गेम इन योर चाइल्ड हुड, आपके चाइल्ड हुड में आपका फेवरेट गेम क्या था। That's all. Thanks a lot.